राजस्थान के चुनाव में लाल डायरी का शिगुफा छोड़ने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने अब इस डायरी को लेकर एक और खुलासा कर दिया है। कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके गुड़ा ने इस खुलासे के जरिए कांग्रेस को फिर से असहज स्थिति में डाल दिया। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि लाल डायरी में सोनिया गांधी के भाई का जिक्र किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि डायरी में लिखा है कि होटल शिवविलास के मालिक के बेटे के समारोह में सोनिया गांधी के भाई भी पहुंचे थे। इस वाक्य को खुलकर बताते हुए गुड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी ने उनकी मुलाकात का समय फिक्स कराने के लिए कहा था। गुड़ा के इस दावे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जयपुर के शादी समारोह में सोनिया गांधी का भाई बनकर कौन आया, जिसके लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी शशिकांत शर्मा से मुलाकात का समय फिक्स करने को कहा गया था। इन आरोपों के साथ ही गुड़ा ने एक सवाल करते हुए कहा, सोनिया गांधी की दो बहनें हैं, फिर ये भाई बनकर कौन आया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच लाल डायरी का शोर लगातार सुनाई दिया है। अब जब राज्य में वोटिंग को सिर्फ 2 दिन ही बाकी है तो लाल डायरी का फिर से जिक्र होने लगा। इसको लेकर गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने लाल डायरी के सवाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, लाल डायरी कौन सी लाल डायरी, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उन्होंने क्या कार्रवाई की है, जबकि ईडी इनके पास है और सीबीआई इनके पास है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान लाल डायरी और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रेड काफी चर्चा में रही। बीजेपी भी मंच से लगातार लाल डायरी का जिक्र करती रही, जिस पर चुनाव प्रचार थमने वाले दिन यानी गुरुवार को गहलोत ने पलटवार किया था। मालूम हो कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में 23 नवंबर की शाम से प्रचार प्रसार थम जाएगा। चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आखिरकार सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि आखिरकार 5 राज्यों में किसकी सत्ता बरकरार रहती है और किसका तख्ता पलट होता है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।